टाउन के इंदिरा गांधी स्कूल के 11वीं श्रेणी में पढ़ने वाले दो छात्रों के आपसी झगड़े के कारण एक छात्र को सड़क पर गिराकर लोहे की रॉड से बुरी तरह मारा पीटा गया। घायल छात्र का नाम नितेश जायसवाल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों से नितेश के साथ विमल यादव का अनबन चल रहा था। शुक्रवार को मौका पाकर विमल यादव ने नितेश जायसवाल पर अपना गुस्सा निकाल लिया और उसे लोहे की रॉड से बुरी तरह मारा पीटा गया। इस घटना में नितेश बुरी तरह से घायल हो गया। घायल छात्र को डेफोडिल अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले जाया गया, जहां उसके सर पर कई सारे टांके पड़े हैं। वहीं विमल यादव की मांग है कि उसी द्वारा ये झगड़ा किया गया था। वहीं इस विषय पर दोनों छात्र कुछ कहा, आइए हम आपको सुना देते हैं। करता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, बंदे को टीसी देना चाहिए और जो बंदा मिल के मारा है उसका तो अच्छा खासा करियर बर्बाद होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। और अगर ये पुलिस अगर नहीं करता है ना तो मैं अपना केस विड्रॉ करूंगा और हम सारे फ्रेंड्स लोग अपने तरीके से करेंगे जो करना है। कि आप भी कंप्लेन फाइल कीजिए कि परसों मेरे मुंह में रुमाल बांध के मारा था तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ, काउंटर कंप्लेन करने को जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सारा दोस्त लोग एविडेंस दे रहे हैं। जब पुलिस थाना में बोले हम, जब कंप्लेन रजिस्टर कर रहे थे हाँ, तो क्या हुआ, पुलिस में जब कंप्लेन करने गए थे पुलिस वाला बोल रहा कि आपका भाई का भी गलती है कि थप्पड़ क्यों मारा। अब कोई अगर आपका माँ को गाली देगा तो क्या थप्पड़ नहीं मारेगा, उल्टा घुसा क्या कुछ से मार देता आराम से, तो पुलिस उल्टा मेरा भाई का गलती निकाल रहा है कि मेरा भाई का गलती है कि वो थप्पड़ मारा, क्या ऐसे मारा, हाथ में चूटी काट रहा था, खुजली हो रहा था, मारा ऐसे। आपका नाम? मैं नितेश का बड़ा भाई अमन हूँ, अमन जायसवाल। देखो ये कंडीशन था, ये देखे देखो की हालत आज अदमरा पड़े आज के क्यों बोल देखो ये देखो एटा डॉक्टर बोल कि आ रहा है कि छोटा होता ना मतलब नीचे होता तो ये आग चले जाते। डॉक्टर বলছিল কি এক ই চার ছোট হতো না আপ চলে যেত চোখটা চলে যেত এত গুসা ছিল না আমাকে কি বলবো রড ফড নিয়েছিল রড রড দিয়ে মেরেছে সব এনেছে।